नमस्कार मेरे भारत के समस्त ट्रैक मेंटेनर साथियों। रेलवे में एक इंजीनियरिंग विभाग है, नाम तो बहुत ही अच्छा है, इंजीनियरिंग विभाग, पर उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रैक मेंटेनर। और रेलवे के भाषण में, रेलवे की भाषा में उसे कहा जाता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। मगर आज उस ट्रैक मेंटेनर को, उस रीढ़ की हड्डी को, उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी दुख दर्द को देखने वाला कोई नहीं है, उस रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को मलहम लगाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, आज जिस प्रकार से हमारी देश की सेना सरहदों पर सुरक्षा करती है, देश की सुरक्षा करती है, इसी प्रकार से हमारे इस रीढ़ की हड्डी ट्रैक मेंटेनर तीनों मौसम के विपरीत रेलवे ट्रैक पर अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करते हैं, ताकि यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिले। मगर आज उस ट्रैक मेंटेनर को कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और रेलवे में सबसे ज़्यादा शोषित, अपमानित और अपने शोषित अपमानित जो है वो है ट्रैक मेंटेनर। आए दिन उस कर्मचारी को अपमानित किया जाता है, चाहे अपने लोगों के साथ, चाहे अधिकारियों के साथ उसे शोषित किया जाता है, उसे हर सुख सुविधाओं से रेलवे से वंचित किया जाता है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का अगर वैकेंसी निकलता है तो ट्रैक मेंटेनर को पहले उससे रोका जाता है। तो इस तरह का बहुत सारी समस्याओं से वो उनको जूझना पड़ता है, यहाँ तक कि उस पर शोषण होता है कि पूरे दिन में अपने जान को समर्पित कर देते हैं और शाम को उन्हें अनुपस्थिति दर्ज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर वो कार्य करते हुए किसी प्रकार का अगर 2 मिनट लेट भी आ जाए तो उन्हें अनुपस्थिति दर्ज कर दिया था। इस प्रकार से उसके साथ शोषित और अपमानित किया जाता है मेरे मित्रों, मेरे साथियों। इसलिए मेरे सभी ट्रैक मेंटेनर साथियों से ये विनती है कि आप लोग अपना हक, अपना अधिकार, अपने परिवार का उज्जवल भविष्य के लिए आपको ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के साथ जुड़ना होगा, जो एक सच्चा, एक सही, जो आपकी आवाज़ को दिन ब दिन उठाता है,